अस्सलाम वालेकुम जी की तो फाइनली सुबह हो गई है और आज सुबह इतने बजे हुई है। चलते हैं जी से, आज चलते हैं नाश्ता वास्ता करते हैं क्योंकि आज जुम्मा है यार, टाइम बहुत शॉर्ट है, उठने में थोड़ी और बहुत देर हो गई है। ये हम लोग उठा रहे थे लेकिन रात को देर हो गई थी, मुझे जरूरी काम कर रहा लैपटॉप पे, तो देर हो गई थी। और जल्दी चलते हैं नाश्ता करते हैं, फिर वो करते हैं। भाई नाश्ता हो गया था एडी, नाश्ता हो गया जी। आज जो है नाश्ते में है ब्रेड, मस्का और चाय। ये जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से कहते हैं आगे की बात। अच्छा जी, मैंने जो है नाश्ता भी कर लिया, सैफो को भी ला दिया, फिर बहन को लेने गया उनके ऑफिस, फिर उसको लेके आया, वो भी कर दिया। चलता हूँ यार नमाज़ पढ़ने, क्यों देर हो रही है, एक बज गए हैं और हमारे यहाँ जो नमाज़ है वह है 1:15 पे, तो जल्दी से चलते हैं नमाज़ पढ़ने। ओके बाय। अच्छा जी, आपका भाई जो एक बार फिर निकल गया है जुम्मे की नमाज़ पे और एक बार फिर लेट है, देखते हैं यहाँ नमाज़ मिलती है या नहीं मिलती। नमाज़ जो है शुरू हो गई है और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। A few moments later. अच्छा जी, नमाज जुम्मा जो है तो आज जमात पढ़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा के मिल गई, मतलब मुझे लगा था कि नमाज खड़ी हो गई है, मैं पहुँचूँगा सजदा हो चुका होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिल गई। अब चलते हैं डायरेक्ट घर यार, क्योंकि मेरा भाई तो यही नहीं, मतलब वो पूर्व कर लेता। अस्का, मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ और आते ही मुझे पार्सल मिला, उसका पार्सल आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। मुन्ना मेरा शादा बेटा है पारशा, नीचे क्या देख रहे हैं आप, नीचे क्या गिराया आपने, नीचे क्या गिराया मुन्ना। है खाते हैं दोपहर का खाना और आज दोपहर के खाने में है चिकन बिरयानी। ओ क्या बिरयानी, सॉरी माय मिस्टेक। मैंने जो है अपना खाना निकाल लिया और ये है बिरयानी की शक्ल। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसके ऊपर मसाला जो है ना, ये लो, ये बिरयानी होती है अलग देखी में और ये लोग ना मेरे लिए अलग से ये मसाला थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि मैं मसाला थोड़ा ज़्यादा ही लेता हूँ, तो मैं ऊपर से डालता हूँ मसाला, क्योंकि मुझे मसाला बहुत पसंद है, मतलब स्पाइसी चीज़ है ना, मुझे क्रेज़ है। तो ये देखें किस तरह पड़ा है मसाला, इस तरह मैंने अलग से निकाल के डाला है बिरयानी के ऊपर। तो ये खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। यार अभी खाना खाना शुरू ही नहीं किया, एक पार्सल लेके आ गया, दूसरा पार्सल है। अब कितना है जी? ये सर पेमेंट नहीं, अच्छा जीरो सी हो रही है। ओके जीरो सी हो रही है जी। अब जो है रिव्यू टाइम है, तो जल्दी जल्दी बोटी तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ ओ बिस्मिल्लाह। उदाब सोने जा रहा है? हाँ उदाब सो कर देगा, चाचू उसको बाहर लेके जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडरेट टेम्परेचर बट खाना अच्छा, अच्छा जिसको स्पाइस है ना मॉडरेट है, यार लेकिन अच्छा है। अच्छा जी, खाना शाना जो है मेरा हो गया था, तो मैंने कहा इस चूजे को जो है मैं ऊपर ले आऊँ या रख दूँ, क्योंकि नीचे सर्दी हो रही है, ये धूप लगी उड़ी थी। जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, नहीं जा रहा, इसको पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। जरा भाई क्या हो गया, जाओ बोलो खाओ, चलते हैं नीचे यार। सूर्य कहफ पढ़ते हैं। Hour later. अच्छा जी, असर का जो है टाइम हो गया, अब चलते हैं जल्दी से नमाज़ पढ़ने। मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी अम्मी भाभी और हुज़ैफ़ा सो रहे हैं, जल्दी चलते हैं नमाज़ पढ़ने, फिर वहाँ से आके होती है मुलाकात, फिर मैं आऊँगा, फिर मुलाकात ले आऊँगा बाहर रोज की तरह। आपका भाई जो है हो गया है रेडी, अब मैं चलता हूँ हुज़ैफ़ा को लेके पार्क। तो मैं सही सीखता हूँ, मैं ऐसा हूँ तैयार होकर भाई, बच्चे होती है वो तरीके से आना होता है। चलो हुज़ैफ़ा कहें, ओए ओए ओके, जानी जा रही है अम्मी, दानी बाय बाय, दानी बाय बाय, दानी किसी को बाय बाय नहीं करेंगे, दानी बाहर जा रहे हैं। ओके भाई बाहर चलते हैं, जाओ भाई को लेके
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ए ए चलो भाई गेट लॉक करो। ए अब मैं और जाफर भाई जाएंगे बाहर। क्या हो मुन्ना भी देखो जो है मैं अपने भतीजों को लेके आ रहा था पार्क से, तो यहाँ मेरी अपने दोस्त से मुलाकात हुई है, रिजवान दोस्त से। क्या हाल है रिजवान भाई? अमन है अल्लाह का शुक्र यार, तुमने कैसे मुलाकात हो गई बराबर वाली मेरी गली। इस बार तुम इस गली में यार क्या मेहमान आए थे तो उनको लेकर आ। अच्छा बाहर ही खड़े हैं वो भी। देख यार जिंदगी दुनिया इतनी छोटी है यार। कैसी अल्हम्दुलिल्लाह अंकल ठीक है यार अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कल ही बात हुई है जो इनका निकाह था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। आएंगे दोबारा आने का इरादा है फिर इंशाल्लाह, तुम्हें फिर दोबारा याद करेंगे ठीक है रिजवान भाई? फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द होती है मुलाकात। ओके यार अल्लाह हाफिज। बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई है मेरे इस दोस्त से। ये रिजवान है, जो लोग मेरे पुराने शू से वॉश कर रहे हैं मुझे जानते हैं इसको। ये हमारा ड्राइवर था और बहुत अच्छा बहुत क्लासी यार बहुत नाइस बंदा है जी। आप जो है शाम का नाश्ता करते हैं, शाम के नाश्ते में है मस्के वाला सैंडविच, ये खाते हैं। और ये भी है, ये क्या है? अच्छा पिज़्ज़ा पापड़, देखते हैं क्या आवाज़ है। तो जी अभी जो है काम से मैं जा रहा हूँ अपनी अम्मी को लेके मामू के घर। चले अम्मी अरे बाय बहन ठीक है बस। और यहाँ तो नहीं आ रहा, बड़े साहब ने मना कर दिया। अच्छा ठीक है ठीक है चले और मैं चाबी ले लूँगा गाड़ी की। जा रहे हैं वापस। Hour later मम्मी जो है मामू घर से आ गए थे, फिर मोबाइल किया वजू किया फिर मस्जिद किया ईशा पढ़ी नमाज की नमाज पढ़ी बाद जमात। अब जो है खाना खाते हैं क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई की जो है नमाज हो जाए। और फिर भाई नमाज कर पड़ी है फिर हम खाना खाएंगे और खाना खाते हैं फिर करते हैं आगे की बात। चलिए अब जो है हज़ारा भाई की मालिश का टाइम चल रहा है तो इनकी हो रही है मालिश। और क्या हो रहा है कह रहा हूँ अस्का को बोलो ऐसा बोले ना साथ भाई क्या कर रहे हैं चलो यार मुँह धो लिया आप लेटते हैं भाई। जो जो काम थे वो सब हो गए हैं, उजाफा भाई की मालिश भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, खाना शाना इशा की नमाज वगैरह सब कुछ हो गया। अब जो है इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।